हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं मथुरा की फेमस कचौड़ी और आलू की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आटा लेंगे। तो मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा ले रही हूँ और ये 1 कप है, और 2 चम्मच हम यहाँ पर सूजी डालेंगे। आप गेहूँ के आटा की जगह मैदा भी ले सकते हैं। और इसी में 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे और इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। और अब 1/2 चम्मच हम यहाँ पे नमक डालेंगे। और हमारी कचौड़ी खस्ता बने इसके लिए हम यहाँ पे ऑयल या घी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। और इन सब को अच्छे से मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो ये देखिए, डो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें सूजी है तो हम इसे इस तरह से हाथों से करके और इसमें पानी डाल देंगे और 15 से 20 मिनट इसे छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है और इसे 2 घंटे पहले भिगो लिया था। और ये 1/2 कप मूंग दाल है और इसे हम एकदम दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें पीस लेना है। ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। तो चलिए हम स्टफिंग बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, तो आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। और इसे में हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सौंफ पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्लेम को लो रखा था ताकि मसाले जले नहीं। और इन सबको भुनने के बाद हम पिसी हुई मूंग डाल देंगे यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। तो आप चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और चलिए सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ और इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 दालचीनी और 4 से 5 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग डालेंगे और यहाँ पे 30 पत्ता डाल देंगे और जीरा चटक गई है और ये गरम मसाले भी भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे मिर्ची डालेंगे और इसमें कटे हुए अदरक भी डाल देंगे। और मिर्ची और अदरक को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। और अदरक मिर्ची भी अच्छे से भून चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे 2 टमाटर डाल रही हूँ और इसे मैंने काट लिया है बारीक। और टमाटर अच्छे से गल जाए तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डालेंगे और सौंफ का पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। और सभी मसालों को डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जलेंगे नहीं और ये अच्छे से भून जाएंगे। और नमक हम स्वाद अनुसार डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे आलू डालूंगी। तो आलू को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था और इसे हाथों से मिक्स करते हुए डाल देंगे। और यहाँ पे आलू बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े में नहीं डालना है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालना है। और अब मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। तो ये 1/2 चम्मच चाट मसाला होगी और इसी वक्त हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। और ये सब्जी थोड़ी सी पतली ही बनती है तो इसके लिए मैं ज़्यादा यहाँ पे पानी डालूँगी। और सब्जी में उबाल आ चुकी है तो अब मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसे ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो सब्जी हमारी बन के तैयार हो जाएगी।
तो चलिए मैं अब आपको कचौड़ी बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने आटा लिया था उसे और एक बार अच्छे से मसल लेंगे ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। और कचौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे और इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। और इसे घुमाते हुए बंद कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काट के निकाल लेंगे। और इसे आप चाहे तो हाथों से भी इसे पतला कर सकते हैं या बेलन की सहायता से पतला कर सकते हैं। और ये पूरी थोड़ी सी मोटी रहेगी, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसी तरह से हम सारे कचौड़े डाल लेंगे और मेन इसका तलना होता है। तो यहाँ पे देखिए तेल मैंने बहुत ही कम गर्म तेल लिया है और धीरे धीरे कचौड़ी तलेगी यहाँ पे तो ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो ये कचौड़ी लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएगी आपको तलने में। और कचौड़ी को जितने आप धीरे धीरे तलेंगे उतनी खस्ता बनेगी। और यहाँ पे देखिए कचौड़ी हो चुकी है और यहाँ पे सब्जी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले